महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम के सदन हॉल में सदन की बैठक सकुशल संपन्न हुई। बैठक में महानगर की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्य बिंदुओं पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करने का निर्णय लिया गया। महानगर के सभी वार्डों में LED लाइट लगाने, सेमी हाई मास्ट लगाने और जिन क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पोल एवं पथ प्रकाश बिंदु नहीं लगाए गए हैं उन्हें चिन्हित करते हुए शीघ्र पथ प्रकाश बिंदु लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। महापौर द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जिन त्योहारों में परंपरागत तौर पर पथ प्रकाश सफाई, पैच मरम्मत, लीकेज मरम्मत कार्य, पोखरों के आसपास पथ प्रकाश व्यवस्था की जाती थी उन्हें अवश्य कराया जाए एवं आवश्यकता को देखते हुए पार्षदों के अनुरोध पर अन्य जगहों पर भी उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्या नहीं होगी। प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। इस अवसर पर उपसभापति जितेंद्र सैनी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम के पार्षद सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पूरी जनता को यह बात पता चल गया था कि 25-25 लाख रुपए पार्षद और योजना के कार्य विकास के अपने अपने वार्डों में होने हैं। नगर आयुक्त महोदय की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ध्यान जारी हुआ था। कार्यकारिणी की बैठक में पहली बैठक ये काम वार्डों में शुरू होगी, लेकिन वो काम महज 8-9 महीने बाद विस्तृत प्रस्ताव बनाने तक और स्वीकृति होने तक हुए। वो भी 10 लाख अभी फाइल बनने के तैयार है, कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हो रहा।
रहे हैं नौ लोग कोई नहीं है।